ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो है, इस इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यूज होगी उसकी जो संख्या होगी, नंबर्स होगी, ओके, किस इंटरवल में, 0 और 3 पाई के बीच में, और यहाँ पर क्लोज लगा रखा है, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 टू 3 पाई कितनी होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है 4 होगी, दूसरी ऑप्शन कह रही है 6 एंड 1 एंड 2। लेट्स सी इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले अपन के दिमाग में आएगा, सर दिस इज द इक्वेशन गिवन, ठीक है सर, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो ये इक्वेशन किस चीज की है, त्रिकोण की इक्वेशन है ना, साइन में है। इक्वेशन अपन के पास क्या है, 2 sin² x + 5 sin x - 3 = 0। सपोज साइन एक्स टी है, थोड़ा देर पहले सपोज कर लो कि साइन एक्स क्या है, टी है, तो इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 2t² + 5t - 3 = 0। इसको क्या ट्राइस करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, 2t² देखो, 2t² - 3 - 6t² ओके, तो क्या सकते हो, +6t - t - 6t² 5t ओके, -3 = 0। कॉमन ले लो 2t, यहां पर कॉमन ले लो 2t, जैसे ही कॉमन ले, यहां पर क्या होगा, t + 3, डू यू एग्री, और यहां पर -1 कॉमन ले लो, यहां पर क्या होगा, t + 3 = 0। यहां से क्या हो गया तुम्हारे पास, 2t - 1 * t + 3 = 0। डू यू एग्री। अब तो क्या कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब ध्यान से देखो यहां से क्या आ गया, t = क्या आ गया, 1/2, और एक सॉल्यूशन का t = -3। अब एक और बताओ, t क्या है, sin x है, आप बताओ sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 < sin x < 1 है ना, तो ये सॉल्यूशन तो टोटल का टोटल रॉन्ग है अपन के पास। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, मतलब कि जो sin x है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अकॉर्डिंग टू दिस 1/2 आ रही है, सही है। तो ये इक्वेशन जो दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन sin x में, द इक्वेशन इज सेइंग दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 1/2, बट क्वेश्चन इज आस्किंग यू हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई इन दिस इंटरवल, एंड इंटरवल इज क्लोज, 0 टू 3 पाई। नाउ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इजीली, ट्रिक समझो, अपन के पास क्या है, sin x की वैल्यू क्या है, 1/2 है। अगर मैं तेरे से पूछूं कि देखो ये तुम्हारे पास क्या है, 0 है, x एक्सिस है 0 डिग्री, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये हो गया 3 ओके 270 डिग्री, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास क्या, 180 डिग्री, ये क्या हो गया, 270 डिग्री, और इसको कह लो 360 डिग्री, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये क्या 0 है, और ये क्या है तुम्हारे पास, पाई बाय 2 है, और ये हमारे पास क्या, पाई है, और ये क्या है, 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है। अब देखो 0 से 3 पाई है, तुम 0 से पाई में आओ, 0 से पाई में आओ, तो sin x की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव कहां कहां मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी sin x की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव मिलती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी तुम्हें sin x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, डू यू एग्री। तो sin x की वैल्यू सर यहां पर, और sin x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और तुम्हें पता है कि 1/2 वैल्यू कहां पर होती है, 30 डिग्री पर होती है, मतलब कि कहां पर हो जाएगी, पाई बाय 6 पर होगी, डू यू एग्री। समझ में चीजें आ रही है, मैं जिस तरह से बातें कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ पा रही है मेरी बातें, कि सर 30 डिग्री पर हमारी वैल्यू आएगी। तो अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है तुम्हें, है ना, तुम डायरेक्टली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से। मैंने क्या कहा कि तेरे को इतना पता नहीं कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी, कहां पर होगा तेरा वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो 0 से जैसे पाई तक आया, कितनी वैल्यू मिली, वैल्यू नंबर 1 यहां पर कहीं मिला तुम्हें, है ना, वैल्यू नंबर 2 यहां पर कहीं मिला तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो यहां पर क्या है, पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में क्या 1/2 वैल्यू तुम्हें मिल रही है, 1/2 वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, नहीं यहां पर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहां पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो यहां से यहां तक कोई सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2 पाई से 3 पाई फिर तुम्हें एक बार रोटेट करना है यहां पर, तो 2 पाई से 3 पाई पर जैसे ही फिर से आओगे यहां पर, समझ रहे हो मेरी बात को, तो जैसे ही 2 पाई से 3 पाई पर आओगे, तो 2 पाई और 3 पाई के इंटरवल में फिर से एक वैल्यू यहां पर मिलेगी तुम्हें, यस और नो, और फिर से एक वैल्यू यहां पर मिलेगी तुम्हें, वो वैल्यू कहां पर होगी, थर्ड वैल्यू होगी, और ये वैल्यू होगी, फोर्थ वैल्यू होगी। तो टोटल सॉल्यूशन तुम्हें 0 टू 3 पाई में कितना मिला, 4 सॉल्यूशन मिला। हमने कुछ सॉल्व नहीं करा, हमने ट्रिक का यूज करा, हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करा, और हमने आंसर निकाल दिया 4 होगा। जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, हर साल। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करते हो ट्रिको के क्वेश्चन, तो आप आराम से क्वेश्चंस को, जेईई मेंस के क्वेश्चंस को, ट्रिको को फोड़ सकते हो, हवा में उड़ा सकते हो, है ना। साथ में अगर इस तरीके के लेवल को आप स्टडीज करते हो तो आपके बोर्ड में भी अच्छा स्कोर आने के चांसेस, कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु इज नॉट स्टडी लाइक दिस, ओके, आपके चांसेस ज्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है, तो इस चैनल पर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू।